राजीव जी, सोनिया जी ने तो यहां तक आगे बढ़ के कह दिया था कि जो राज्य की कांग्रेस कमेटियां हैं वो किराया बहन करेंगी, मजदूरों की मदद करेंगी, लेकिन उनकी घोषणा के बाद भी राज्य की कांग्रेस कमेटियां मजदूरों तक सही सूचना क्यों नहीं पहुंचा पा रही हैं? आपको नहीं लगता कि ये काम कांग्रेस पार्टी को भी, जहां है राज्य की कमेटियां, सबको मजदूरों तक सही सूचना पहुंचानी चाहिए थी और नहीं पहुंची है, तो अब पहुंचाना शुरू करना चाहिए दोनों पार्टियों को, भले लाउडस्पीकर लेके, रिक्शा लेके, चुनाव प्रचार की तरह जगह जगह अनाउंस करना पड़े, कम से कम मजदूरों को इस समय थामने की जरूरत है। उनके आंखों में आंसू है, वो बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। सवाल आपने किया कि कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती थी, जब देश की सरकार ने जिम्मेदारी पूर्ण नहीं की तो कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी शुरू करी जी। ये निश्चित रूप से रेलवे जो एक विषय है, रेलवे जो मंत्रालय है, जहां तक मेरा ज्ञान हो सकता है, सुधांशु जी मुझे करेक्ट कर दें उसमें, मैं चाहूंगा करेक्ट भी करें, रेलवे का जो मंत्रालय है वो केंद्र सरकार के अधीन में है। केंद्र सरकार ने 2 मई को एक विज्ञप्ति जारी की, उसमें कहा बकायदा उपेंद्र जी कि रेलवे जो है निश्चित रूप से मजदूरों से किराया वसूल करने का कार्य करेगा। यदि ये स्थिति थी तो देश की सरकार से एक बार पूछना चाहता हूं कि 151 करोड़ रुपए आप प्रधानमंत्री केयर फंड में दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप 10-15 करोड़ रुपए देश के मजदूरों के लिए नहीं रखते हैं। उसमें तो आपको आपको रख लेने चाहिए थे देश के मजदूरों। आप बात इस समय देश के, आप देश के ये दुर्घटना इसकी करिए, क्यों इसको आप जो राजनीतिकरण कर रहे हैं? बात करिए दुर्घटना की। दुर्घटना महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हुई है और वहां की जो दुर्घटना हुई है उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करिए। राजीव जी आप तो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। आपका इतना लंबा इतिहास है और मैं तो हमेशा आपका इस बात के प्रशंसक रहा हूँ कि आपने हमेशा लोगों के विषय और देश के विषयों को प्राथमिकता दी है। आज आज एक दुर्घटना हुई है, एक हादसा हुआ है, उससे हमें क्या सबक लेने चाहिए ताकि ये दुर्घटना की कोशिश करता, लेकिन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वहां पे प्रशासन की क्या कमियां थी। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये जो दुर्घटना हुई है, जो हुई है किसी और के साथ, उसके लिए हमें क्या क्या सबक लेने हैं और क्या क्या चीजें हम सबको मिलकर करनी चाहिए ताकि किसी सुधांशु जी एक बार राजीव जी को सुन लेते हैं। राजीव जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। राजीव जी देखिए, मजदूरों की तरफ से सुधांशु जी को एक शेर पढ़ देता हूँ दुष्यंत कुमार का। भूख लगी है सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में जेरे बहस ये मुद्दा, मौत ने घर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ फासला रखकर छुआ, गिड़ गिराने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भरकर गालियां दो आह भरकर बददुआ। आपको गरीबों के पांव छू रहे थे, गरीबों के पांव छूने का काम कर रहे थे, अब आपको गरीबों के छाले नहीं दिखते जो हाईवे पे निकल रहे हैं। आप तो हवाई जहाज पहनने वालों को हवाई जहाज की आग लगा रहे थे, आज गरीब के नाम उसका पैदल चल रहा है, इसके बारे में आप बता दीजिए। आपकी सरकार ने लॉकडाउन से पहले कोई प्रवासी मजदूरों के लिए योजना तो बनाई होगी, उस योजना का इसको आपको दिखाना चाहिए। राजीव जी दिखा नहीं पा रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। राजीव जी मजदूरों का एक पक्ष उनके सहयोग और उनके कंट्रीब्यूशन के कारण देश की अर्थव्यवस्था में भी बनता है, उनका कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था में भी बनता है।